This is another candidate जो सोफा कम बेड होने वाला है. सिंगर कम एक्टर. एक्टिंग और सिंगिंग एक दूसरे के साथ बहुत मिलते कनेक्टेड है. बिल्कुल बिल्कुल. एक एक्सप्रेशन होता है सिंगिंग में भी. जी. आप देखिए मोहम्मद रफी साहब जब शम्मी कपूर के लिए गाते हैं तो लगता है शम्मी कपूर गा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. और जॉनी वॉकर के लिए गाते थे तो जॉनी वॉकर के लिए गा रहा है. बहुत. और देवानंद साहब के लिए तो देवानंद गा रहा है. और दिलीप कुमार के लिए तो दिलीप कुमार गा रहा है. उसमें एक्सप्रेशन था वो इस छोकरे में. वाह. और इसका आलाप भी कमाल का है. जी. मैंने बहुत सारे इंडियन आइडल शोज देखे. अब की बार ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ अरुणिता अच्छी है या दानिश अच्छे है. ये सब कमाल के हैं. एक से एक बढ़िया है. वन बेटर देन द अदर. ये जो ट्रॉफी है ये मुझे दे दीजिए. मैं अपने ड्राइंग रूम में रख दूंगा इसे. वो मुझे तो कभी ये मिलने नहीं वाला है. बट ये मेरे पीछे जितने बैठे हुए हैं ये हर एक बहुत बढ़िया कलाकार है. दिस इज इंडियन आइडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया. पुराने दिन याद आ गए. मेरे पिताजी याद आ गए. उनके जाने के बाद हिना मैंने बनाई थी. Give him a big hand, everybody. Come on, come on. दानिश, मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि ये गाना जिसका मेल वर्जन मैंने आज तक कभी नहीं सुना, लता दीदी ने जो गाया है, आइकॉनिक गाना. मेरे तो सोच के बाहर है कि ये गाना अच्छा सुनाई देता कोई मेल वॉइस में. बट तुमने बिल्कुल मुझे गलत साबित कर दिया कि इट वॉज ब्रिलियंट एंड आई फील दिस इज वन ऑफ योर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस टिल डेट. फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.